अजीब रिवायत है, अजीब दस्तूर है, शायद यही अंजाम है उन हुक्मरानों का जिसे जनता आम तौर पर नहीं समझ पाती। ये जो पत्थर हैं, अगर आप इन पत्थरों को देखेंगे तो ये पत्थर दिखते ज़रूर हैं, लेकिन ये पत्थर नहीं, ये आलिशान शोरूम, आलिशान दुकान और भू माफियाओं की वो दादागिरी है जिसे खुलेआम किया जा रहा है। ये पत्थर लगाकर साफ संदेश दे दिया जाता है कि यहाँ के बपौती मालिक हम हैं। मैं आपको सड़क की दूसरी ओर ले जाने की कोशिश करूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह भू माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि ये सड़क पर लगा हुआ पत्थर ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ उनका एक छत्र राज है। उनको किसी की डर नहीं, उनको किसी की परवाह नहीं। न जाने कौन से बलबूते पर जो यह दुकान लगाते हैं, 4-6 घंटे तो वो वैसे अतिक्रमण करते हैं दिन में, और उसके बाद अपने अतिक्रमण की निशानी ये पत्थर छोड़ जाते हैं जिससे यहाँ कोई गाड़ी ना लगा सके, और जब वो दुकान लगाने आए तो वह सुविधा से अपनी दुकान लगा सके। आखिर ये भू माफिया किसके इशारे पर फल फूल रहे हैं? आखिर कौन है वो जो इनके लिए आंखें बंद किए बैठा है? ये जगह है सागरपुर नाला, जिसके करीब में वार्ड नंबर 117 वार्ड नंबर 118 के बीच का ये नाला, ये जगह, और इस नाले को लेकर भी अक्सर संशय रहता है कि ये नाला जो है आखिर किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन किसी ना किसी के तो अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसकी बानगी ये शानदार शोरूम देख सकते हैं आप कि सड़कों पर पत्थर। ये भू माफियाओं की वो कहानी है जिसे बंद आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती है कि राजनीति और प्रशासनिक अधिकारी इसे खुली आंखों से भी देखने को तैयार नहीं। ये किस चीज़ की चमक है जो उनकी आंखों में चमक जाती है जिसके बाद कुछ भी नहीं दिखाई देता, और भू माफियाओं का एक छत्र राज यहाँ दिखाई देता है। इस नाले से गुजरने वाले तकरीबन हर व्यक्ति को ये बात मालूम होगी कि यहाँ अतिक्रमण है, और यहाँ से गुजरने वालों की स्थिति वही है कि शायद वो कभी यहाँ से गुजरने के नाम पर गुरेज करते हैं, उनके पसीने छूटने लगते हैं, उन्हें घबराहट होने लगती है कि आखिर वो शाम के वक्त यहाँ इतने जाम वाले इलाके से कैसे गुजरेंगे। यहाँ अक्सर झगड़े होते हैं, जाम को लेकर के लड़ाइयाँ होती हैं, आवारा पशु देखे जा सकते हैं, लेकिन फिर बात वहीं घूम कर आती है कि आखिर जब सैया भाई कोतवाल तो कार्यवाही कौन करे। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ फोल्डर, दिल्ली।